जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हर रोज़ एक वीडियो शेयर करती हूँ, एक रेसिपी शेयर करती हूँ, तो आज की रेसिपी मेरी मैंगो पेस्ट्री की है जो कि मेरी वीडियो से ही देख के मुझे ऑर्डर मिला है। मैंने इसकी वीडियो शेयर की थी, तो चलिए इसको बनाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन टुडेज़ मेन्यू विद शुभी मिन्हाज। तो मैं हूँ शुभी और आज बना रही हूँ मैंगो पेस्ट्री। तो जिसके लिए मैंने लिया है हाफ कप वनीला प्रीमिक्स और इसमें हम मिला देंगे मैंगो इमल्शन, नहीं तो एसेंस, जो भी आपके पास हो वो मिला दीजिए। और इसके टेस्ट को और इन्हांस करने के लिए मैंने इसके अंदर मिलाया है मैंगो क्रश। इससे बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है इस केक के अंदर। और बस इन सब चीज़ों को हमें मिक्स करके एक अच्छा सा लम्फ्री बैटर रेडी कर लेना है। तो ये वाला ऑर्डर मुझे स्टेटस पर मैंने लगाया था, पिक्चर लगाया था, तो उससे मिला है। और चार दो पेस्ट्री का ऑर्डर मिला है और चार पेस्ट्री मैं बना रही हूँ, दो अपने घर के बच्चों के लिए, दो देने के लिए। तो बस इसके अंदर हम हाफ टी स्पून ऑयल मिला देंगे जिसमें कोई स्मेल ना हो। यहाँ पे आप मेल्ट किया हुआ बटर भी मिला सकते हैं। अब ये मेरा बैटर रेडी हो गया है, इसको अब हम बेक करने के लिए डालेंगे। तो टिन मैंने लिया है स्क्वायर, उसको ग्रीस करके बटर पेपर लगा के सब रेडी करके रखा है। इसके अंदर सारे बैटर को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और आज मेरी आवाज़ कम आ रही होगी क्योंकि आज ही मेरा माइक ख़राब हो गया, तो मैं बिना माइक के ही अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ इसी वजह से। अब ये मेरा ओवन जो है प्री हीटेड है और उसमें ऑलरेडी एक केक बेक हो रहा है, तो उसी में मैंने इसको भी डाल दिया। केक मेरा बेक हो गया है, अब इसको डीमोल्ड कर लेंगे और अब आगे की प्रोसेस करेंगे। केक की बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है तो इसको सिर्फ हम दो ही लेयर में कट करेंगे। ऊपर वाली पतली लेयर को हम हटा देंगे। अब इसको मैंने धागे से कट किया है। स्क्वायर केक है तो कभी कभी टूट फूट हो सकती है, इस वजह से धागे से कट कर लीजिए तो इजी रहता है, इजीली कट जाता है। तो ये कट गया है, अब इसको साइड में रख लिया है। वैसे तो इसे मुझे टर्न टेबल के ऊपर ही बनाना है, बोर्ड पे तो बनाना नहीं है। तो लेयर मैंने एक रख दी है, इसको सोक कर दिया है चीनी और पानी के मिक्सचर से। अगर केक आपका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो सोक थोड़ा कम कीजिए, अगर थोड़ा ड्राई हो चुका है, पहले बहुत बना के रखा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा उसको सोक करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें हम क्रीम में इमल्शन मिला लिया था ताकि अच्छा टेस्ट क्रीम के अंदर भी आ जाए मैंगो का। अब इसको हम बराबर कर लेंगे। और वीडियो लगभग सेम बोल सकते हैं आप, लेकिन सेम नहीं है पहले जो मैंने डाली उससे, ये डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, सिर्फ कलर सेम है क्योंकि मैंगो है। और वो सेम वो वाली मेरी मतलब पेस्ट्री की फ़ोटो देख के ही वो उन्होंने ऑर्डर किया है कि ऐसे ही होना चाहिए, तो मैं ज़्यादा इसमें चेंज नहीं कर सकती हूँ। थोड़ा बहुत चेंज किया है मैंने, ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि जो इंसान वो देख के ही मंगवा रहा है तो उसको वैसे ही चाहिए। तो कलर वगैरह मैंने चेंज नहीं किया है, सिर्फ डेकोरेशन में थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मैंगो क्रश। मैंगो का सीज़न रहे अगर तो आप फ्रेश मैंगो भी यहाँ पर डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन जब मैंगो का सीज़न ना हो तो क्रश से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो इसको लगा दिया अच्छी तरह से। अब हम दूसरी वाली लेयर रख देंगे और थोड़ा सा ऊपर भी सोक कर देंगे। इसको खाने के बाद जिनको दिया था उन्होंने बड़ी तारीफ की थी, उनको बड़ा मज़ा आया खाने में। ये चॉकलेट, वाइट चॉकलेट लिया है मैंने, उसमें थोड़ा सा मैंगो इमल्शन मिला दिया है ताकि इस चॉकलेट के अंदर भी मैंगो का टेस्ट आ जाए। अब इसमें मेरे पास जो मोल्ड है ये चॉकलेट वाली मोल्ड है जिससे चॉकलेट बनाते हैं, इसी में मैंने थोड़ा थोड़ा डाला है ये चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट, ताकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए मुझे। ये तीन हार्ट का इसमें शेप है, तो तीन इतनी ही सी मेरे पास चॉकलेट थी तो मैंने तीन जगह हार्ट बना लिया। अब थोड़ा सा क्रीम में मैंने इमल्शन मिला दिया है, अब इससे हम इसकी
अच्छे से इसको कवर कर देंगे क्रीम से। तो आज मेरे यहाँ बिजली भी कई दफ़ा चली गई थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा देर हो गया इसको बनाने में। कई दफ़ा मुझे कभी ओवन में कभी गैस पर केक को ये करना पड़ा, ट्रांसफ़र करना पड़ा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और हमारे यहाँ बिजली कभी जाती नहीं है, इस वजह से हम लोग इन्वर्टर नहीं लगाते हैं। कभी कभार कोई प्रॉब्लम होती है तभी जाती है। तो मैंने क्रीम से कवर कर लिया, अब इसको बराबर कर दिया ऊपर से। अब इससे ज़्यादा इसको कुछ करना नहीं, क्योंकि ऊपर तो हम इस पर जेल लगाने वाले हैं, न्यूट्रल जेल से इसको कवर करेंगे। तो ये केक कोम से मैंने इस पर ऐसे पैटर्न बना दिया साइड में, और ऊपर वाले क्रीम को मैंने निकाल लिया जो एक्स्ट्रा थी। अब थोड़ा सा मैंने जेल लिया, इसमें भी मलचन मिलाया है, और अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये एकदम मिक्स हो जाए तो थोड़ा सा अंदाजे से पानी डालना है, इतना डालना है कि ये अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाए। मेरे ज़्यादा गिर गया था तो मैंने वापस ग्लास में उसको डाल दिया। अब सारे जेल को हम ऊपर से डाल देंगे केक के ऊपर। अब स्पैचुला लेके धीरे धीरे से इसको स्प्रेड कर देना है। इसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा जेल कम पड़ गया है, तो मैंने थोड़ा और बनाया, बस थोड़ा सा। एक साथ बहुत ज़्यादा मत बनाइएगा, नहीं तो फिर बच जाता है ये। तो फिर अगर लगातार यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ये वेस्ट ही होता है। इसी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा ही बनाती हूँ, जितने की ज़रूरत हो उतना ही बनाती हूँ। इसके बाद पतला वाला स्क्रेपर लेंगे जो सॉफ्ट वाला आता है, और साइड पर इसको कवर करेंगे। तो बहुत इजीली हो जाता है, बहुत मुश्किल नहीं होती इसको करने में। बस ये है कि प्रेशर नहीं देना है, प्रेशर देने से क्रीम भी निकल सकती है। अब ये चार जगह पर मैंने जगह खाली कर ली है, यहाँ पर मुझे रोजेट बनाना है इसीलिए। तो सिंपल वाइट कलर की क्रीम से ही बनाना है मुझे। तो ये जो ट्विस्टेड वाला नोजल आता है नूर का, वही लिया है, इससे बड़ा अच्छा रोजेट बन जाता है। तो चारों कोने पर मैंने एक एक रोजेट बना लिया है। अब ये चॉकलेट रखी थी मैंने, ये सेट हो चुकी है, इसको निकाल लेंगे इसके अंदर से। बस इसको ऐसे खींचेगा और नीचे से ऊपर की तरफ धकेलिएगा तो ये निकल आएगी बहुत आराम से। ये छोटा छोटा हार्ट बना लिया था। अब सबसे पहले इसको हम ऐसे मार्क लगा के इसको कट कर लेंगे चार पार्ट में। तो बस एक ही बार जब आप नाइफ रखते हैं ना, तो उसको आगे पीछे मत कीजिएगा, प्रेशर देके काट लीजिएगा, नहीं तो पेस्ट्री जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, अंदर से उसका जो क्लीन नहीं दिखेगी। इस तरह से मैंने सबको, मेरे पास तीन ही हार्ट है तो दो मुझे देना, तो दोनों पे मैंने रख दिया है, बाकी दो घर के लिए है, तो कोई टेंशन नहीं, बच्चे तो ऐसे ही खा लेंगे। तो मैंगो पेस्ट्री भी मेरी रेडी हो गई है, और दो पेस्ट्री का ही मेरा ऑर्डर था, और बच्चों को भी खाना था तो मैंने चार बना लिया। दो इसमें से जो अच्छा है वो जाके दे आऊँगी और बाकी बच्चे खाएंगे। तो ये वाली डेकोरेशन मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए कल फिर मिलेंगे हम इसी तरह की कोई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए।